अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। हम लोग पहुंच रहे हैं लाहौर और ये है कि अब हम जा रहे हैं गाड़ी रिसीव करने, और रिसीव करने मेरे साथ है साथ दरोगा। इसको तो सारे जानते होंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ना जानता हो। ट्रैफिक बढ़ी है बॉस। पहले हम लोगों को जाना है वर्कशॉप, कोई चीज़ ढूंढनी है टो के लिए, और फिर हमने ना गाड़ी को वीजल के साथ बांध के लाना है। रातों रात आपका भाई शूटर ही पहुंचा लाहौर के यार, जाके गाड़ी रिसीव करनी है। और फिर साथ भी आया हुआ, साथ ने ज़रा गाड़ी का काम करवाना था, एयर शेयर का उतरवानी थी, गाड़ी बेचनी है। तो मैंने कहा यार चलो आओ हम इसके साथ ना, तब तक गाड़ी भी टो करके लाएँ। तो पहुँचते हैं पहले वर्कशॉप, फिर उसके बाद निकलते हैं गाड़ी को टो करने। तो बॉयज फाइनली हम गाड़ी के पास आ गए हैं। गाड़ी अब सिर्फ हमने यहाँ से रिसीव करनी है। रिसीव भी ऐसे करनी है कि इसको थोड़ा सा धक्का लगा के हमने पीछे लेके जाना है, वीजल के साथ हमने इसको टो करना है, ठीक है। बस थोड़ा सा एक ये थोड़ा मुझे वो इशू आ रहा है कि मैं इसको टो होकर किधर बांधूंगा, क्योंकि यहाँ पे कोई जगह नहीं है इसको जो है ना टो बांधने वाली, इसकी गाड़ी भी नहीं है। फिर अगर वो चिमटे पर डालता हूँ तो फिर हमें गाड़ियों में ज़रा फासला कम होगा, लेकिन कोई नहीं, चलो मैं निकालता हूँ इसको, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। तो बॉयज ये मंगवा लिया हमने, अब इसके ऊपर गाड़ी रखने लगे हैं। और रखने के लिए भी हमने जो गाड़ी है ना वो हमने इनको कहा, भाई को, इन्होंने गाड़ी उठाई है इसके ऊपर। अब ये इससे उठाएंगे गाड़ी और इसे उठा के सीधा इसके ऊपर। रोला ही कोई नहीं, टेंशन ही कोई नहीं। तो गाड़ी हमारी लोड होगी, अब हम जा रहे हैं यहाँ से सीधा दानी भाई के पास, वहाँ पर गाड़ी ड्रॉप करेंगे। गाड़ी ड्रॉप करने के बाद जो है ना इसके काम से हम शुरू करेंगे फिर हम। अभी हमने इनसे बात की है कि हमें ना जरा थोड़ा सा टाइम दें ताकि हम ना गाड़ी वॉश करवाएं। पापा जाओ? नहीं नहीं इजी। तो ये है कि ये अभी सिर्फ हम गाड़ी यहीं पे रोकते हैं, इसको वॉश करवाते हैं, इसको खाली करके इसमें सारा सामान इसमें रखेंगे, डीजल में सामान को भी बल्कि पानी में रोएंगे, जो जो प्लास्टिक वाला है, ठीक है। बाकी जो है ना इसको फिर इंशाल्लाह धुलवाने के बाद वर्कशॉप लेके जाते हैं, निकलते हैं इनके साथ ही। मेरे से ज़्यादा काली तो इस चाचे को है जो गाड़ी लेके जा रहा है। मैं इस टाइम 80-90 पे भी हूँ तो चाचा साहब उड़ा रहे हैं गाड़ी स्टार्ट। चलो खैर से पहुँचते हैं वर्कशॉप। तो बॉयज गाड़ी हमने वॉश करवा ली है और करवा रहे हैं। तो ये है कि उन्होंने प्रेशर मारा एक दफ़ा, काफ़ी गंद मुंद गाड़ी से निकला है, बाहर जो पत्ते छते थे ना ये अभी बाहर लटक रहे हैं, ये सारा कुछ। तो ये अभी उन्होंने अंदर से भी साफ़ सफाई कर दी है, काफ़ी हद तक कर दी है। अभी सर थोड़े मोटे पत्ते रह गए हैं, बाकी ओके है। अब वो बाहर से इसको ज़रा पानी अच्छी तरह मारेंगे, फिर हमारी गाड़ी रेडी टू गो होगी। ओह हो, बारिश होगी, गाड़ी हमारी ब्लैक से वाइट हो गई है। अच्छी तरह आप ये धोएंगे इसको, फिर ये जो एक साल से खड़ी हुई है इसकी मिट्टी छिट्टी गंद इसका निकल जाएगा। तो वो गाड़ी हमारी वॉश हो गई है, साफ हो गई है। अब हम इसको लेके जा रहे हैं दानी भाई के पास। सामान सामान हमने सारा उठा लिया है, मैं फिर भी एक नज़र मारता हूँ सामान की, काफ़ी तो रख दिया भाई इसमें, बाकी वीजल में पड़ा हुआ है। तो निकलते हैं। बस फाइनली हम दानी भाई के वर्कशॉप पहुँच गए हैं। गाड़ी का ना डिप फंस रहा है, डिप नहीं वो क्या नाम है यार, शाफ्ट फंस रही है। वो शाफ्ट खोल के हमने गाड़ी को नीचे उतारना, फिर हम ईजी हैं चले जाएंगे हम यहाँ से गाड़ी छोड़ के। फिर आज हम आए हैं वर्कशॉप अपनी गाड़ी के पास। अपनी गाड़ी का जो काम है ना वो अच्छा खासा तेज़ी से चल रहा है। अभी जो है ना हमारे पेंटर भाई ने हमारी बैक लाइटों की फिटिंग शिटिंग सारी बना दी है, ओके है। डिग्गी पे भी दोबारा इन्होंने जो मेरा ख्याल है डिको पुटीन कहते हैं ये की है, और आज हमारा इंशाल्लाह रात तक इंजन जो है ना वो दोबारा गाड़ी के अंदर हो जाएगा। अभी ब्रेक सल्वे को पेंट करना है बाइट से, ठीक है। हमारी फ्रंट शो जो है ना वो कम्प्लीट सेट हो गई हुई है, दोनों तरफ की लाइटें और नीचे वाली ये सारी जाली ये सारी ओके हो गई है। अभी सिर्फ इसमें रात को इंजन करना है। इंजन ने इन्होंने खोला हुआ है ज़रा, मैं आपको दिखाता हूँ इंजन। तो वो ये है इंजन हमारा, इंजन अभी इन्होंने ना गियर नीचे से खोला हुआ है, गियर का चैम्बर खोला हुआ है, क्योंकि इसमें लीकेज थी थोड़ी सी। बाकी इंजन वाली तरफ से हमारा ओके है काम सारा। अभी सिर्फ इसको जो है ना यहाँ से ओके करके सेट करके फिर गाड़ी के साथ हम लगा देंगे वापस। आज हमारा इंजन वापस भेज, कल तक हम इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करते हैं कुछ ना कुछ, मतलब सारी गाड़ियाँ पैक करनी है ना वापस, फिर इसको स्टार्ट करेंगे। तो बॉयज हमारी गाड़ी का इंजन वापस स्विच हो गया गाड़ी के, कल हम इंशाल्लाह इसको सुबह ना ये खुलवा के
टैपेट कवर जो है ना इसको पेंट करवाएंगे, इसके प्लग श्लग चेक करेंगे, इसकी ट्यूनिंग श्यूनिंग करेंगे अच्छी तरह इंजन की, फिर इंजन को जो है ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बाकी तो हमारी तरफ से ओके है। सिर्फ यही है कि अब जो रहता है काम शाम वो यही है, वो ट्यूनिंग श्यूनिंग का ही है। फिर इसको सल्व मारेंगे, टैंकी के कनेक्शन करने हैं इसके, टैंकी के कनेक्शन करके फिर इसको सल्व देंगे। कल हमने बिलाल भाई को भी कह दिया कि इसकी सारी वायरिंग स्टार्ट कर दो, वो कह रहे हैं मैं सुबह से इंशाल्लाह इसकी वायरिंग शायरिंग करता हूँ, वो वायरिंग कर देंगे। ये इंजन की वायरिंग पहले वाली जो पड़ी हुई है, उनको मैंने कह दिया जिधर जिधर की वायरिंग होगी ना उधर उधर उसको ना आपने बांध देना, टाइकलम कर देना, ताकि हमें याद हो ये वायरिंग फलां चीज़ की है, ये वायरिंग फलां चीज़ की। और सुबह ये सीटें भी चालू करनी है हमने, क्योंकि शिजात भाई को इसके जो नीचे वाले वो है ना रेलिंग जो है वो बाहर चाहिए, ताकि इसको फिटिंग बनाए, इनकी वेल्डिंग वगैरह करें। बाकी हमारी गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल है। सुबह शिजात भाई ने इसको लीवर भी लगा देना है, फाइनल कर देंगे लीवर लगा के यहाँ पर। तो बॉयज अभी हम आए हैं दानी भाई के पास वर्कशॉप, जहाँ पे हमारी बीएम खड़ी है। तो बीएम का ये है कि यार अभी तक दानी भाई ने फ़िलहाल इसको नहीं छेड़ा, आज वो लेट आए थे, तो वो कह रहे हैं कल से इंशाल्लाह इसको मैं करता हूँ, और कल ये है कि इसको स्टार्ट भी करते हैं। कल इसका पहले डिफ का काम होना जो हमें कल तंग कर रहा था, उसके बाद इसको स्टार्ट करना है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह हमें अच्छी खबर मिलेगी इसको स्टार्ट करने पर। तो ये है कि मिलते हैं फिर आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ऐसे ही अपने भाई को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि आपका भाई आपके लिए ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट लाता रहे। अल्लाह हाफिज़।